तो वेलकम टू आर टू एस। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने ColorOS फ़ोन में डॉल्बी एटमॉस को कैसे इनेबल कर सकते हैं। अब आप में से मेरे को दोस्त पूछेंगे कि डॉल्बी एटमॉस होता क्या है। तो डॉल्बी एटमॉस एक सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी है जो आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को बहुत बेहतरीन करती है, साथ में आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने ऑडियो को एडजस्ट कर सकें। और इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक अनलॉक फ़ोन, यानी अगर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं है तो आप उसको अनलॉक कर लें और साथ में उसको माजिक से भी रूटेड कर लें। अगर माजिक का आप में आपके फ़ोन में पूरा सपोर्ट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, मैं आपसे ये बोलूँगा। और इन सब की मेथड कहाँ मिलेगी आपको सर्च करना पड़ेगा, और जो रियलमी 2 प्रो यूज़र हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अनलॉक कर लिया हो और साथ में आपने माजिक से रूटेड कर लिया हो तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी डोल्बी की, तो आपको फाइल डाउनलोड कर लेना जो जिप फॉर्मेट में होगी। फिर आपको करना है इसको एक्सट्रैक्ट, यानी उसको आपको कर देना है डीकम्प्रेस। तो आप जैसे डीकम्प्रेस करेंगे तो उसमें आपको APK फाइल और जितने भी माजिक्स के मॉड्यूल हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको माजिक्स मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए अपने माजिक्स मैनेजर में जाना होगा, यानी आपको गो बैक पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको आना पड़ेगा माजिक्स मैनेजर में, यहाँ से आपको आना पड़ेगा मेन्यू पे इसके, और यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करें आप। और यहाँ से आपको लोकेट करना है जो माजिक्स मॉड्यूल है जो जिप फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे आप उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, तो जो डॉल्बी प्लस जो लिखा हुआ है माजिक्स मॉड्यूल इसमें मैं क्लिक करूँगा ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। तो जो मेरा इंस्टॉल हो रहा है ये थोड़ा सा हल्का सा, हल्का नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा बस। तो बस मैं एक बार रिबूट कर लूँ अपने फ़ोन को ताकि वो मेरा मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाए, तो ये थोड़ा टाइम लेगा बस। और फिर आपको अपने लॉक स्क्रीन आपको अनलॉक कर देना है, और एक बार आपको माजिक्स मैनेजर में चेक कर लेना है कि आपका मॉड्यूल एक्टिवेट हुआ कि नहीं हुआ। तो जी हाँ, मेरा एक्टिवेटेड है। तो अब मुझे बस APK फाइल इंस्टॉल करनी है, तो मैं जहाँ मैंने एक्सट्रैक्ट किया था अपना जो फाइल वगैरह, तो वहीं से जाकर हमने DSAPK और DSUI और SE Linux मोड को भी इंस्टॉल कर लूँगा। तो तीनों APK फाइल को आपको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। बहुत आसान तरीका, अगर आप फॉलो करते जाओगे तो आपका डेफिनेटली ये वर्क करेगा, और नहीं करोगे तो फिर नहीं करेगा। तो इसको मैं कर दूंगा इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा सक्सेसफुली, डन कर देना है। अब मैं अपने फ़ोन सिक्योरिटी में जाऊंगा, फ़ोन मैनेजर में। पहले मैं चेक कर लूँगा कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर आप में क्रेश होता है तो आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, जो SE Linux मोड है तो उस पर क्लिक करना है, और अपनी सिस्टम मोड को आपको परमिसिव कर देना है। ग्रांट पे जाना है, सुपर यूज़र की परमिशन दे देनी, और साथ में आपको परमिसिव पेज पे क्लिक कर देना है ताकि आपका सिस्टम परमिसिव हो जाए। आपको गो बैक करना है फिर, और यहाँ से आपको फ़ोन मैनेजर पे आना है ताकि आप इसको ऑटो रन पे डाल सकें। तो ये प्राइवेसी परमिशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट अप मैनेजर पे क्लिक करना है, और आपको ये दोनों को ऑटो रन पे सेट कर देना है ताकि जो आपके बैकग्राउंड में स्टॉप ना हो। तो बस फिर आप अपने म्यूज़िक का एंजॉय करें और अपने सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी का मज़ा लें। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को आपको कर देना है सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो, और मेरे इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और साथ में कर देना है इसको शेयर भी, और साथ में आपको कमेंट भी करना है ताकि आपकी कोई दिक्कत हो तो वो मैं जान सकूं, और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपसे कोई दिक्कत होती है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है इंस्टॉल, तो मुझे कमेंट डाउन कर देना ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में। सी यू लेटर, टेक केयर। खुद भी खुश रहो और सबको खुश रखो, और अपनी फैमिली को भी खुश रखो, क्योंकि वही आपके सपोर्ट में आगे तक रहेंगे लाइफ में। और लाइफ हमारी इतनी लंबी नहीं कि हम उनके साथ पूरी गुजार दें, तो जितना टाइम हो सके अपने फैमिली के साथ गुजारो, बस इतना ही बोलूँगा। तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय।